लगातार जो शिक्षक हैं वो आवाज उठाते थे कि हमको नियोजित शिक्षक हमको परमानेंट किया जाए। मुझे याद है कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आज एक साल पूर्ते पूर्ते डेढ़ साल पूर्ते पूर्ते बिहार के तमाम नियोजित परमानेंट हुए। तो ऐसे तो इसके लिए आप यह बताते हैं डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल आप तमाम आसपास के प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं। भारत का संविधान राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा क्या है? हमको बंगाल में नौकरी हो जाए, वो बंगाली बच्चे को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? बंगाली हमको बंगाली नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, हमको महाराष्ट्र में हो जाए, हमको कहीं और हो जाए, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो संविधान का उल्लंघन करते हुए बहाली यहां पर हुआ, इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग उस वक्त साथ में थे, हम लोग का यह कहना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए यहां, लेकिन नहीं किया गया। और उसी तरह शिक्षकों की बहाली हुई, उनसे काम लिया जाना चाहिए लेकिन उनको उनका भी कुछ ख्याल होना चाहिए। जैसे समर वैकेशन में उनको भी छुट्टी मिलना चाहिए, उनको अकेले बच्चे नहीं आएंगे लेकिन शिक्षक आएंगे। उसी तरह उनको कैलेंडर वर्ष में 60 छुट्टी उनको मिलना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ठंड वगैरह में 2 घंटा पहले होना चाहिए। उसी तरह गेस्ट टीचर लोग जो हमारे 8 साल 10 साल काम किए हैं उनको हटा दिया गया है, उनकी चिंता करनी चाहिए, उनको समायोजन करने का काम सरकार को करना। हम लोगों ने तो लिख करके भी दिया था और हम चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में सरकार पॉलिसी बनाए। पिछले बार सरकार ने जो नीति बनाई है वो पूरी तरीके से शिक्षकों को परेशान करने वाली नीति थी। आपने 10 अनुमंडल का विकल्प दे दिया, सबके लिए अनिवार्य कर दिया। 2020 से जो बात सरकार कह रही थी कि हम सेवा शर्त नियमावली में सरकार ने कहा था कि हम करेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण, सदन में इससे पहले 2022 में सरकार ने जवाब दिया था और अब फिर से जाकर के वही चीज। सरकार शिक्षकों को टारगेट करना बंद करे और सबको ट्रांसफर पोस्टिंग अच्छी करे। नौकरी दीजिए लेकिन साफ सुथरा तरीके से नौकरी दीजिए। हम लोग तो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग नहीं लड़ते तो ये लोग नौकरी देने वाले थे। इतने सालों से क्यों नहीं भर दिया टीचर का सीट? तो यहाँ पे पिछले 17 महीने की जो सरकार महागठबंधन की चली, हमने सारा जो जाम लगा हुआ था उसको हटाया और रास्ता क्लियर करवाया, अब उसी से बहालियां हो रही है। क्या ऐसा ही कि मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं के पैसा की आवश्यकता होती है? इस पर भी लिखा है सकारात्मक है। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार मातृत्व अवकाश के दौरान भी महिला कर्मियों का वेतन बाधित को परिवर्तित कर नियमित वेतन भुगतान करने पर विचार रखती है? इन्होंने जवाब में दिया है वस्तु स्थिति यह है कि कोई महिला कर्मी मातृत्व अवकाश में जाने से पूर्व ही अवकाश की स्वीकृति करा लेती है तो नियमित रूप से वेतन भुगतान प्राप्त होने में कोई कठिनाई नहीं। महोदय, ये जो सेंक्शन है छुट्टी, ये विभाग के लोग करते नहीं है। महिलाएं मातृत्व अवकाश में चली जाती हैं, साल साल भर उनको लोग टहलाते हैं और फिर विभाग में स्कूल छोड़ के घूमते रहती हैं। मेरा कहना यह है कि मातृत्व अवकाश के लिए जब कोई अप्लाई करती है तो उसको सेंक्शन समझा जाए और उनका वेतन नियमित रूप से जिसे सबको जाता है उसे भेजा जाए। एक तो मातृत्व अवकाश में जा रही है और दूसरा उनका पैसा भी रोक दे रहे हैं, तीसरा उनको कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि उनको जो मातृत्व अवकाश लें उनको आप रेगुलर छुट्टी ग्रांट समझते हुए उनको वेतन में ही वेतन के साथ ही वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, यह मैं जानना चाहता हूं। माननीय सदस्य का जो सुझाव है बिल्कुल सही है और इस आशा का डायरेक्शन हम लोग दिसंबर में ही दे देंगे कि जो मातृत्व अवकाश है फिर आने पर ये निश्चित रूप से कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं तो उसको दूर करने के लिए हमने कल भी समीक्षा की थी और जिस तरह से हमने सदन को आश्वस्त किया था कि जो हर महीने एग्जाम हो रहे हैं उसका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि उसको कैसे त्रैमासिक में लाया जाए, उसी तरह इसमें भी हम लोगों ने समीक्षा की है। जो आवश्यक निर्देश उनके हित में हम लोग दिसंबर माह में देने। छुट्टी को ग्रांट समझ के उनके वेतन के साथ ही हम तो यही समीक्षा करने के लिए मैंने हमने तो कहा कि आपका सुझाव स्वागत योग्य है और उसके हमने ये भी कहा कि इस दिसंबर माह में जो आवश्यक उसमें जो संशोधन करने पड़ेंगे ताकि उनको कठिनाइयां नहीं हो वो हम कर देंगे। ठीक है। सदन को किस तरह के जितने मामले हैं हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं और अनुशासन को छोड़कर जहां अनुशासनहीनता है या
अन्य कोई बातें हैं उसको छोड़ करके अगर विधिवत रूप से कोई आए तो हम लोग को कोई एतराज नहीं है उनको अपने जो वेतन इत्यादि देने में, लेकिन हमने जैसा कहा कोई उसकी वजह होनी चाहिए और वजह है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए तभी तो वो इसकी समीक्षा नहीं ठीक है, वो हमने कहा जिलावार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं जैसे अन्य डेवलपमेंट कामों की समीक्षा की है तो इसकी भी हम लोग कर रहे हैं। मंत्री जी का जवाब है, हमने पूछा था कि 20, 21, 22 तक अभियंत्रण कॉलेज में इंजीनियरिंग की बहाली में इनका जवाब है कि 30% नामांकन नहीं हो पाया है, तो हम इसको जोड़े हैं तो 13,257 20 से लेकर 23 तक 13,257 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नामांकन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो सका और 30% सीट मंत्री जी के जवाब के अनुसार खाली रह गई। तो कौन सा कारण है जी खाली रह गई? अंत में सहजी पूछे हैं इनसे कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शैक्षणिक सत्र 2020 से लेकर 24 तक अधिकतम सीटें विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों में खाली रह गई तथा सीटों पर 100% नामांकन हेतु भविष्य में सरकार की क्या योजना है? हजूर लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं, बंगलोर चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में यहाँ के विद्यार्थी चले जाते हैं नामांकन कराने के लिए और वहां से इंजीनियर बनकर आते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार का, इस देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहार का, इस देश में सबसे ज्यादा आईएएस अफसर बिहार का। बहुत अच्छी बात है, हर विभाग में तरक्की हो रहा है, लेकिन 31% सीट खाली रह जाए और 3 वर्ष में 13,000 हमारे विद्यार्थी यहाँ नहीं पढ़ सके और दूसरे राज्यों में जा सके, इसी हालत में हमने पूछा है कि भविष्य में इसकी क्या योजना है कि सीटें खाली नहीं रहे, हमारे विद्यार के विद्यार्थी ऐसी जगह पढ़े और बाहर पैसा नहीं जाए, यही सवाल हमारा है। हमको थोड़ा सा संतुष्ट कर दीजिए, यही जवाब चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष से हम लोग लगभग 100% सीट अपना ये फुलफिल कर लेंगे। हमने पूछा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के होनहार खिलाड़ियों ने परचम लहराया है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, तो जो आप सरकार मेडल लाओ और नौकरी मेडल के आधार पर दिया है तो आप बताते ना इस प्रश्न में जवाब में कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चों ने योगदान दिया जिनको नौकरी दी गई, राष्ट्रीय स्तर पर कितने किस खेल विधा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तब उनको मिला। ये अगर कैटेगरी वाइज आप देते तो पूरा बिहार जारेगा इससे। हम लोग के यहाँ एक बीमारी है सभापति महोदय कि विज्ञापन छोड़ के हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, अखबार के विज्ञापन नहीं पढ़ता है कोई, इसलिए कम से कम सदन में जब भी जवाब दिया जाए तो पूर्ण ब्यौरा के साथ। और आपने यह भी लिखा है कि खिलाड़ी को प्रोत्साहन और हर सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं, अरे भाई तो लिख दीजिए ना कौन कौन सुविधा दे रहे हैं, कौन कौन प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो कम से कम माननीय सदस्य को भी जानकारी हो जाएगी। तो बिहार में तो अब पंचायत में हम लोग खेल मैदान बना रहे हैं तो सबको ये जानकारी मिलेगी तो सदन को भी फायदा होगा, सदस्यों को भी लाभ होगा।